this value will be 2। और अब मैंने क्या करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, देन वी हैव 0 वैल्यू हेयर, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2 प्लस 0 इज 2, तो हमारे पास 2 आ गया। अब एंड वॉट वैल्यू क्या हुआ था, एंड वॉट वैल्यू इज 1। सो अब जब हम टॉप लेवल पे आ जाएंगे, इसका मतलब है कि ये पोर्शन ऑफ 30 अब हमारे पास आ गया है। सो इसकी कंप्यूटेशन मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज बी आई वन, इट्स अ चाइल्ड प्रोडक्शन, तो इसको हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। आई एम गेटिंग 4 हियर प्लस आई एम गेटिंग 1 फ्रॉम हियर, तो बी आई डॉट वी आपके पास जो है वो क्या होगा, दैट इज एल्गो 5। सो दैट्स हाउ यू कैन थिंक ऑफ अ सिमेंटिक रूल्स। और स्टेप वाइज अगर मैं बताऊँ, फर्स्ट राइट अ ग्रामर, स्टेप 1 इज राइट अ ग्रामर, सेकेंड थिंग इज मेक अ पार्स ट्री। आप सिंपल पार्स ट्री बनाओगे, दिस इज एनोटेटेड पार्स ट्री, सो इसमें एनोटेशन हुई हुई है, एट्रीब्यूट्स और उनकी वैल्यूज आर देयर, सो दिस इज योर एनोटेटेड पार्स ट्री, जिसमें हर एक वेरिएबल के अगेंस्ट एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज हों, तो आप उसे क्या कहते हो, दिस इज योर एनोटेटेड पार्स ट्री। सो सेकेंड यू मेक अ पार्स ट्री जिसमें ये वैल्यूज ना हो, देन थिंक ऑफ अ लॉजिक। लॉजिक क्या था हमारे पास इस प्रॉब्लम में, लॉजिक वॉज डबल एंड एड मैथड। यू कैन थिंक ऑफ अनदर मैथड, ठीक है, वो जो पावर वाला है आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन जब आपने देखा कि डबल एंड एड मैथड, तो पहले आपने सॉल्व किया दैट एग्जाम्पल, तो आपको पता चला कि जो प्रीवियस वैल्यू है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो डबल हो रही है। तो यहाँ पे ऑन दैट लेवल आपको पता चला कि बी आपके पास क्या है, बी इज़ दैट फर्स्ट वैल्यू, बी इज़ दैट प्रीवियस वैल्यू और बी इज़ दैट फर्स्ट वैल्यू, जिससे मुझे क्या करना है, जिसे मुझे डबल करना, 2x करना। सो यहाँ पे मैंने सोचा कि बी आई को मैं डबल कैसे करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन आपने क्या करना है, ऐड। सो जिस द कमिंग नंबर, जो बाद में आने वाला नंबर, आपने सिंपली ऐड करना है। तो यहाँ पे ऑन दिस पोर्शन ऑफ योर ग्रामर आपको पता चला कि ये वो जगह है जहाँ पे मैं अपने इस कॉन्सेप्ट को फुली एक्सप्रेस कर सकता हूँ और रिकर्सिवली प्रोड्यूस कर सकता हूँ। लाइक ऑन अपर लेवल मेरे पास क्या हो सकता है, यही कॉन्सेप्ट जा सकता है, क्योंकि बी आई में ऑब्वियसली इनको ऐड करके तो वैल्यू एक आई होगी, और आप उसे डबल करोगे एंड देन यू एड इट विद द अपकमिंग नंबर। तो जिस तरह से हमने लास्ट विड्रॉ किया था ये पूरा, तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोसेस इस तरह से चलेगा। सो यहाँ पे वी फर्स्ट डिफाइन अ रूल, देन ऑन थर्ड नंबर वी डिफाइन रूल्स, एंड देन इन अ फोर्थ स्टेप आप क्या करते हो, यू मेक अ कंप्लीट एनोटेटेड पार्स ट्री, और उसमें आप एग्जांपल को रन करके देखते हो कि एनोटेशन में, जो ट्रांसलेशन में जो वर्ड रिक्वायर्ड है, क्या वो हो रहा है या नहीं। सो अगर मैं कहूँ तो इससे 01 01 एक बाइनरी नंबर जो है वो इस ग्रामर से प्रोड्यूस हो रहा है, और एज अ ट्रांसलेशन विद द हेल्प ऑफ सिमेंटिक रूल्स मेरे पास क्या हो रहा है, इन रूल्स की बेसिस पे आई एम गेटिंग इट्स ट्रांसलेशन एज वेल। ये जो एक बाइनरी नंबर है 01 01 बेस टू, वो आपके पास ट्रांसलेशन के बाद इट विल रिजल्ट इन 5 इन बेस 10। सो नाउ यू कैन थिंक ऑफ इट के इसके अंदर प्रोसेसेस किस तरह से होते हैं। देयर आर सिंपल स्टेप्स, राइट अ ग्रामर, मेक अ पार्स ट्री, थिंक ऑफ अ लॉजिक, लॉजिक अप्लाई दैट लॉजिक टू अ सिंपल पार्स ट्री, सिंपल पार्स ट्री भी आप अप्लाई करें, देन मेक अ रूल। एंड फर्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गो विद सिंपल रूल फर्स्ट, जो सबसे आपके पास सिंपलेस्ट वे हैं, जिस तरह से यहाँ पे जस्ट वैल्यू पास करनी थी, यहाँ पे जस्ट वैल्यू पास करनी थी, यहाँ पे भी हमने वैल्यू पास कर दी, तो गो विद दीज रूल्स फर्स्ट, ताकि आपके पास वैल्यू पास हो जाए। एंड आफ्टर दैट आप क्या करोगे, आफ्टर दैट
आप इसके ऊपर राइट इट ग्रामर रूल। अब इसी से रिलेटेड मैं एक और एग्जांपल कहता हूँ कि इफ़ आई वांट टू काउंट द कंजेक्टिव नंबर्स, कोर क्वेश्चन अगर मैं इसी में से जनरेट कर लूँ, इसकी अब ट्रांसलेशन क्या होगी, इट्स नॉट अ डेसिमल नंबर बट आपके पास क्या है कि यू हैव टू काउंट द कंजेक्टिव डिजिट्स। सो हेयर आई हैव थ्री कंजेक्टिव डिजिट्स। सो लेट सी ये प्रोसेस हमारे पास कैसे होगा। आई एम कवरिंग दिस एग्जाम्पल इन माई करंट वीडियो। सो आपने क्या करना है, आपने खुद से सोचना है, थिंक ऑफ अ मैकेनिज्म जो कि आपको इसका सोल्यूशन बताए। एंड स्टेप्स आर सिंपल। फर्स्ट राइट अ सी एफ जी ग्रामर। आई होप दिस सी एफ जी ग्रामर इज़ फाइन फॉर दिस थिंग। आप इस तरह के सीक्वेंसेस, बाइनरी सीक्वेंसेस यू कैन जनरेट इट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ ग्रामर्स, जिसमें से ये स्ट्रिंग आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट यू हैव टू चेंज इट्स रूल्स। रूल्स आपने इस तरह से बताने हैं कि दिस थिंग विल आउटपुट द नंबर ऑफ कंजेक्टिव डिजिट्स लाइक 001100। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर ऑन बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। एंड आई एम लीविंग अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज, इसमें आप क्या करोगे, कंजेक्टिव नंबर्स के ऊपर सोचोगे कि ये किस तरह से प्रोसेस आपने करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।